अहले वतन, मैं हूँ आज़म मेराज, तहरीक शनाख्त का एक रज़ाकार। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी मसीहों के मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी अपील, जो कि मैंने 8 मई 2020 को की थी CSS की आगाही मुहिम के सिलसिले में, जिस तरह आप लोगों ने उसको फॉलो किया है, जिस तरह आप सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस आगाही मुहिम को जारी रखा है, और इसके असरात इंशाल्लाह बहुत अच्छे नज़र आएंगे हमें आने वाले दिनों में, और यकीनन इससे पाकिस्तानी मसीहों को की नस्लों को फ़ायदा पहुंचेगा, इस वक्त की नौजवान नस्ल को और आने वाली नस्लों को। आज उसी बात पे को कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ और आपसे अपील करना चाहता हूं, पाकिस्तानी मसीहों के वो सारे लोग जो CSS के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कि एक और एक ऐसी हमारे पास विरासत है जो दिफाए पाकिस्तान में मसीहों का करदार है। इस वक्त यौम दिफा का सीज़न चल रहा है, आज 2 सितंबर है और 4 दिन बाद कौम यौम दिफा मनाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने CSS की आगाही मुहिम को जारी सारी रखा हुआ है, इसके साथ अगर आप पाकिस्तानी मसीहों को अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चर्च के प्लेटफॉर्म से, अपने टीवी के प्लेटफॉर्म से, अपने सियासी जलसों से, अपने जो हमारे जो सामाजिक कारकुन हैं, आपकी जो NGOs के जो सेमिनार होते हैं, उस पे अगर दिफाए पाकिस्तान में जो उनकी विरासत है वो उनको बताएं, तो हमें पाकिस्तानी मसीही नौजवान को, बच्चियों बच्चों को अफवाज पाकिस्तान में कमीशन लेने की तरफ रागब करने में बहुत आसानी हो। अब इस मुख्तसर अगर हम नज़र डालें, गो के दिफाए पाकिस्तान में मसीहों का किरदार मेरी 6 किताबों पर महीत है, लेकिन अगर हम मुख्तसर उसमें से जो ख़ास चीज़ें देखें तो 92 शहदा की विरासत है हमारे पास। 1948 से लेके आज तक 92 पाकिस्तानी मसीहों ने अफवाज पाकिस्तान के तीनों शोबों में जाने कुर्बान की हैं। फिर उसमें से 24 ऐसे लोग हैं जिनको 30 बहादुरी के एजाजात मिले हैं, जिनमें 7 सितारा-ए-जुरत, 3 तमगा-ए-जुरत, 9 सितारा-ए-बसालत और 11 तमगा-ए-बसालत हासिल करने वाले लोग हैं। 4 पाकिस्तानी मसीहों को ये एजाज हासिल है कि वो हैदरान के साथी रहे हैं, हमारे जो 11 निशाने हैदर हासिल करने वाले शोहदा हैं उनके साथ मुख्तलिफ महाजों पर 4 मसीही अफसरान भी उनके शाना बशाना लड़ रहे थे, जिनमें से 2 के तो कमांडिंग अफसर थे। उसके बाद अगर हम देखें तो अफवाज पाकिस्तान की तीनों अकेडमियों में जो सोड ऑफ ऑनर हासिल करना होता है, एक बहुत बड़ा आज़ाद होता है, तीनों अफवाज पाकिस्तान में एक एक मसीही ने सोड ऑफ ऑनर हासिल की है। उसके बाद सैंडर्स जाना PMA में जाने वाले कैडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाद होता है, तो हमारे एक मसीही नौजवान को ये आज़ाद भी हासिल है कि वो सैंडर्स भी गए। उसके बाद 32 क्याम पाकिस्तान से लेके आज तक 32 मकामी मसीही अफसरान जर्नैल बन चुके हैं, 1 स्टार और 2 स्टार। अब इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी विरासत जिस कम्युनिटी के पास है, उसके बच्चे अफवाज पाकिस्तान में कमीशन के लिए उनको ज़रूर रागब करें, लाजमी नहीं कमीशन। और फिर अफवाज पाकिस्तान आपको बुलाती है, आपकी जो भी अहलियत है, यानी 12वीं से ले कर आप मास्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी शोबे से, हर शोबे में आपको कमीशन ऑफर करती है। तो मैं अपने समाजी, सियासी और मजहबी रहनुमाओं को एक दफ़ा फिर अपील करता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने CSS की आगाही मुहिम पे जोर दे रहे हैं, इसके साथ साथ कम जाहिर है वो एक ग्रेजुएट और उससे ऊपर के लोगों का, तो ये हमारे इंटर पास नौजवानों के लिए ये भी एक बहुत इज्जतदाराना, शान से जीने का अपने मुआशरे में एक रास्ता है, और मुल्क की खिदमत भी है और आपकी मुआशरे में इज्जत भी होती है। और फिर हमारे पास जो विरासत है इसको जहन में रखते हुए ये चीज़ें अगर नौजवानों को हम बताएं, इसके बहुत सारी इसके सोर्स हैं, मेरी कुतुब भी हो सकती हैं, आपके पास और भी बहुत सोर्सेज हैं, और मैं जो अफवाज पाकिस्तान के मसीही अफसरान हैं उनको भी चाहूँगा कि वो भी जिस हद तक हो सके पाकिस्तानी मसीही नौजवानों को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इसके बारे में ज़रूर अवेयरनेस दें, ताकि हमारी
ये विरासत भी आगे बढ़ सके। इस सारी विरासत के साथ हमारी सैकड़ों शहदा गाजियों और महाफिजान वतन की ऐसी ईमान अफरोज दास्तानें हैं जो बच्चों में एक अज़्म जज्बा हौसला पैदा कर सकती है, जो उन्हें इस माशरे में इज्जत से रहने जीने की एक राह दिखाती हैं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इस तरफ रगबत दिलाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी उनसे शेयर करें और इस तरफ उनको रागब करें कि देखें कितनी शानदार विरासत है, इसको आगे चलाना है। आखिर में पाकिस्तान के मजहबी सियासी समाजी रहनुमाओं, आओ इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, क्योंकि इस मुहिम के लिए हमें किसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं, किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने नौजवानों में फ़िक्र के बीज बोने हैं उनके जहनों में कि ये है तुम्हारे आबा की विरासत, और इस विरासत को जहन में रखते हुए अज़्म और हौसले से इस माशरे में अपने लिए शान से जीने की राहें पैदा करो। तहरीक-ए-शनाख्त जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।